सर बिक्री नहीं है, नोट के चलते कोई खरीद नहीं रहा है। अब तो रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, तो क्योंकि जो फ्लावर्स हैं ये सब एक लग्जरी उसमें आता है, तो अभी लोगों के पास अपने खर्चे के लिए नहीं हो पा रहे, तो फिर ये तो बात की बात आती है। कुछ तो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो दूसरी बार हमारे पास छुट्टे नहीं है, छुट्टे नहीं होते हमारे पास 2000 के नोट। 2000 जो नोट है वो ज़्यादा ही बड़ा बना दिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर। पैसा अगर लाते भी हैं तो 2000 का नोट है वो चलता नहीं है, 100 रुपये का मीट ले आएंगे तो हम 1900 रुपये कहाँ से देंगे। लोगों के पास पैसे नहीं है, जो भी आता है पुराने नोट ले लो जी, दूसरे 1000 का ले लो, 500 का ले लो, हम जब भी ले भी लेंगे तो आगे हमारे को कैश नहीं कोई करता। मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, उसमें अनपढ़ भी लोग हैं जिनको बटन दबाना नहीं आता है, मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो अगर 1000 रुपये हम किसी चीज़ से अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पता लगा 10000 रुपये हमने मतलब ट्रांसफ़र कर दिए। पेटीएम का मैडम ये है ना कि यहाँ 10 रुपये भी कोई चीज़ लेगा वो भी हमारे अकाउंट में जाएगी। हमें तो रोज ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना, और सवेरे माल भी लेना, पेमेंट कैश दे के माल लेना, वो हमारे पेटीएम वाला मानेंगे नहीं सिस्टम, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत होती है।